please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आतंकवाद का समर्थन देने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़े पाकिस्तान को चीन अपना उपनिवेश बनाने की तैयारी में जुटा है। ये दावा नीदरलैंड्स स्थित EFSAS यानी यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज की एक रिपोर्ट में किया गया है, जिसके मुताबिक चीन का मास्टर प्लान ये है कि पाकिस्तान के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में चीन की कंपनियों और संस्कृति का दबदबा हो। रिपोर्ट का दावा है कि इस तरह इस्लामाबाद का वित्तीय और सामाजिक ढांचा पूरी तरह तबाह हो जाएगा। बढ़ते हुए आयात शुल्क, ब्याज दर और सरचार्ज की वजह से पाकिस्तान के लिए कर्ज चुका पाना मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्ट में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पाकिस्तान के लिए एक दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी बताया है, जिसमें साझेदारी की वजह से पाकिस्तान अपनी स्वेच्छा से चीन के नियम और शर्तों का गुलाम बनता जा रहा है। रिपोर्ट का दावा है कि पाकिस्तान जब तक CPEC प्रोजेक्ट की छाया में रहेगा, तब तक राष्ट्रीय विकास की कोई भी कोशिश राष्ट्रीय आपदा में तब्दील होती रहेगी। अमेरिका के कोलोराडो में तूफान आने के बाद एक पार्क में लगे पोर्टेबल टॉयलेट्स बॉक्स हवा में उड़ने लगे। इस तूफान के साथ ओलों की भी बरसात हुई, जिसने वहां भारी तबाही मचाई। जबकि तूफान के वक्त रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें एक पार्क में लगे पोर्टेबल टॉयलेट बॉक्स हवा में उड़ते देखे गए। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवा के कारण पार्क में लगे टेंट उखड़ गए। जान बचाने के लिए कुछ लोग जमीन पर ही बैठ गए। तूफान की वजह से कोलोराडो के एक इलाके में बवंडर भी उठा। इस तूफान के साथ भारी बारिश हुई, जिसमें क्रिकेट की गेंद जितने पड़े ओले गिरे। We just hear this rumbling coming towards us. तूफान के बाद सड़कों पर पानी नदी की तरह बहने लगा, जबकि ओलों ने मकानों और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाया। It's like a baseball bat was taken to it. If you look closely, you can see how big the hailstones were. तूफान और बारिश के बाद आपदा विभाग ने फिर तूफान आने की आशंका जताई। BVR सुब्रमण्यम जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव बनाए गए। IAS अधिकारी BVR सुब्रमण्यम को जम्मू कश्मीर का नया मुख्य सचिव, जबकि BB व्यास और विजय कुमार को गवर्नर NN वोहरा का सलाहकार नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकियों ने पुलिस कर्मियों के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें तनवीर अहमद नाम का एक सिपाही शहीद हो गया, जबकि दो पुलिस वाले घायल हो गए। बिहार के नालंदा में तेज हवाओं की वजह से एक विशालकाय पेड़ के कई वाहनों पर गिरने की वजह से चार लोग घायल हो गए। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में जंगल के कुछ हिस्से में आग लगने के बाद दमकल की 6 गाड़ियां आग पर काबू करने में जुट गयी। यूपी के फिरोजाबाद में ओवरलोडिंग की वजह से एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। यूपी के हाथरस में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती की लिखित परीक्षा में फर्जी तरीके से किसी और का पेपर दे रहे 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर मुंबई के वर्सोवा में डिब्बे वालों के एक ग्रुप ने योग के करतब दिखाए। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने छापा मारकर कई वारदात में शामिल 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री और कांग्रेस नेता DK शिवकुमार के खिलाफ कर चोरी के आरोप में कोर्ट ने 4th समन पेश किया। यूपी के चित्रकूट में खनन माफियाओं ने एक गांव में कई राउंड फायरिंग करके एक किसान की पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश की मुरैना से बड़ी खबर दे रहे हैं मनोज शर्मा। मुरैना में अवैध रेत लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने यात्रियों से भरी जीप में टक्कर मार दी। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे में मारे गए सभी लोग और घायल ग्वालियर के रहने वाले हैं। भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की हो सकती है। ये दावा वित्त मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम में किया। दावा किया गया कि 2030 तक भारत की GDP कुल 10 ट्रिलियन डॉलर यानी 680 लाख करोड़ रुपए के पार जा सकती है। इसके लिए आने वाले सालों में भारत की GDP बढ़ने की रफ्तार लगातार 8% से ज्यादा रखने की जरूरत होगी और डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत हर साल 1 रुपए कम होने का अनुमान है। दावा ये भी किया गया है कि आने वाले सालों में भारत की GDP टू टैक्स रेशियो बढ़ रही है, यानी देश की GDP में टैक्स से होने वाली कमाई का हिस्सा भी लगातार बढ़ रहा है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। अमेरिका में अटलांटा के एक ट्रैफिक सिग्नल पर रफ्तार से आ रहा एक मोटरसाइकिल सवार फ्लाईओवर के किनारे लगी लोहे की जाली से टकराया और उसे फाड़ते हुए नीचे जा गिरा। उस वक्त वहां एक कार सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार कर रही थी, जिसके डैशबोर्ड में लगे कैमरे में मोटरसाइकिल सवार के लोहे की जाली से टकराने का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। इस वीडियो में ट्रैफिक सिग्नल पर सामने की ओर 2 कारें खड़ी दिखी। इसी दौरान वहां एक कार आई और बाईं ओर मुड़ गई।
तभी उसके पीछे आ रहा एक मोटरसाइकिल सवार सीधा फ्लाईओवर के किनारे बने फुटपाथ से टकराते हुए लोहे की जाली से भिड़ गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो लोहे की जाली को फाड़ता हुआ नीचे जा गिरा। इस हादसे के दौरान उसकी बाइक वहीं फुटपाथ पर रह गई। इस टक्कर के बाद कुछ लोग वहां पहुंचे और जाली के उस पार गिरे बाइक सवार को देखने लगे। बताया गया कि इस हादसे में बाइक सवार को गंभीर चोट आई। जम्मू कश्मीर के पंपोर में पुलिस पार्टी पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मी तनवीर अहमद का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके घर कुपवाड़ा पहुंचा, पूरे गांव में मातम छा गया। परिवार के साथ ही रिश्तेदार और गांव वाले शहीद का पार्थिव शरीर देखकर टूट गए। उनके पिता अपने बेटे के पार्थिव शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचा, लेकिन जहां पर ये हमला हुआ सुरक्षा के लिहाज से कितना संवेदनशील इलाका है? देखिए, कुपवाड़ा उन संवेदनशील इलाकों में से है जहां पर पाकिस्तानी आतंकवादियों की जो प्रेजेंस है बहुत ज्यादा है, और अब ऑपरेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन खत्म होने के बाद सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों का ये पहला बड़ा वार था। और जाहिर सी बात है कि अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मिलकर एक संयुक्त रणनीति अपना रही हैं ताकि इन आतंकवादियों का पुख्ता तरीके से उनको जवाब दिया जा सके। बिल्कुल अमित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कुछ लोग एक दूसरे को पीटने लगे। वहां स्कूटी और ऑटो रिक्शा के बीच हुई टक्कर के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मौके पर मौजूद एक लड़के ने इस मारपीट को अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें साफ दिखा कि दोनों गुटों के लोग डंडे लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। सबसे पहले लाल शर्ट पहने एक लड़के ने दूसरे पक्ष के लड़के को जमीन पर पटक कर पीट दिया। फिर इसके बाद एक बुजुर्ग ने अपने एक साथी के साथ दूसरे गुट पर डंडे से हमला कर दिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। दूसरे गुट के लड़के ने भी डंडे से पलटवार किया, लेकिन हालात इतने बेकाबू थे कि झगड़ा सुलझाने की उनकी कोशिशें भी नाकाम साबित हुई। जानकारी के मुताबिक एक स्कूटी की टेम्पो से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद दोनों लोगों ने अपने अपने समर्थकों को बुला लिया और एक दूसरे पर हमला कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद आसपास जमा हुए लोगों ने मारपीट करने वालों को शांत करवा दिया। दुनिया भर में हिंसा, युद्ध और कुदरत के कहर की वजह से करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, ये दावा IDMC यानी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की एक रिपोर्ट में किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2017 में 3,60,00,000 लोगों ने कुदरत की मार, हिंसा और युद्ध जैसे हालात की वजह से अपना घर बार छोड़ दिया। इनमें ऐसे लोगों की संख्या 1,88,00,000 रही जो बाढ़, तूफान और भूकंप में अपना सब कुछ तबाह हो जाने के बाद दूसरी जगहों पर चले गए, जबकि करीब 1,20,00,000 लोगों को हिंसा और युद्ध जैसे हालात की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में सबसे ज्यादा 29,00,000 लोग युद्ध जैसे हालात की वजह से अपना सब कुछ छोड़ दूसरी जगहों पर चले गए। इसी तरह इराक, दक्षिण सूडान, कांगो और इथियोपिया में भी हिंसा की वजह से लोगों को अपना ठिकाना छोड़ना पड़ा। वहीं भारत में 14,00,000 लोगों को अपना ठिकाना बदलना पड़ा, जिसके पीछे प्राकृतिक त्रासदी को बड़ी वजह माना गया। पंजाब के अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम पर विवाद शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में अमृतसर जिले के कई अधिकारी शामिल हुए, लेकिन अमृतसर से पंजाब कैबिनेट में 3 कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद ना तो नवजोत सिंह सिद्धू और ना ही दूसरे मंत्री इस आयोजन में नजर आए। दिल्ली में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने TMC के दफ्तर के बाहर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले और अत्याचार का आरोप लगाया और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बंगाल जन रक्षा यात्रा निकाली। प्रदर्शन के समय लोगों के हाथ में ममता बनर्जी के विरोध में पोस्टर भी दिखाई दिए। मीडिया में भी आवाज उठा रहे हैं और जहां जहां जो भी मंच है उस मंच पे हम लगातार। रैली में शामिल केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने पश्चिम बंगाल को जल्द ही ममता बनर्जी के अत्याचार से मुक्त करवाने का दावा किया। डिप्लोरेबल वे इन व्हिच शी इज रूलिंग बंगाल एंड वी आर गोइंग टू प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया। दिल्ली में TMC दफ्तर के बाहर बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए। हालांकि प्रदर्शन के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और नेता वहां से निकल गए। मुंबई और पुणे को अब हाइपरलूप के जरिए जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी और दावा किया जा रहा है कि एक 15 किलोमीटर लंबा टेस्ट ट्रैक बनाने का काम 2019 में शुरू भी हो जाएगा। मुंबई और पुणे के बीच की दूरी करीब 150 किलोमीटर है, जिसे तय करने में करीब 4 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन 4 घंटे की यही दूरी हाइपरलूप के जरिए केवल 25 मिनट में तय की जा सकती है। हाइपरलूप के लिए एक ट्यूब के आकार का ट्रैक बनाया जाता है, जिसमें ट्रेन कम से कम 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। दावा किया जा रहा है कि 15 किलोमीटर लंबे टेस्ट ट्रैक का तजुर्बा अगर ठीक रहा तो जल्द ही मुंबई और पुणे के बीच ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो जाएगा।
जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकवादियों ने पुलिस टीम पर हमला किया है। आतंकियों की गोलाबारी में एक पुलिसकर्मी तनवीर अहमद शहीद हो गए, जबकि दो पुलिस वालों के जख्मी होने की खबर है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक आदमी एक शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल पर फायरिंग करने लगा। यह आदमी तीसरी मंजिल पर बने फर्नीचर गोदाम में लगी आग को बुझाने में दमकल कर्मियों की मदद कर रहा था, इसलिए उसने गोदाम के बाहरी हिस्से पर लगे शीशे को तोड़ने के लिए गोलियां चलाई, लेकिन फायरिंग का असर नहीं हुआ, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने पत्थर फेंक कर शीशा तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि गोदाम तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह आग की चपेट में आ चुका था। इस बीच गोदाम में लगी आग से काले धुएं का गुबार उठने लगा। हालात को बेकाबू होता देख फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी सीढ़ियों की मदद से शीशे तक पहुंचा और हथौड़े से उसे तोड़ दिया। जो ये फर्नीचर का काम होता है उसमें आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी अभी तक आई है सर, धुआं काफी है वहाँ, उसकी वजह से जो फर्नीचर की वजह से वहाँ कोई अंदर नहीं जा पा रहा है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जबकि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में फर्नीचर गोदाम के अलावा एक रेस्टोरेंट को भी नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर में पुलवामा की त्राल में एक और कश्मीरी लड़के के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद में शामिल होने का मामला सामने आया है। जैश में शामिल होने वाले आतंकी की पहचान मोहम्मद अशरफ के तौर पर हुई है। 2 दिन पहले ही त्राल में सुरक्षा बल ने जैश के कमांडर समेत 3 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम क्रिकेट में अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की हार ने ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी रैंकिंग में इतिहास की सबसे बुरी स्थिति में पहुंचा दिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वनडे रैंकिंग में 6वें नंबर पर पहुंच गई है। इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया से ऊपर हैं। मंगलवार को ही ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच में 242 रन की अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 2018 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अब तक 8 मैच खेले हैं, जिनमें उसने सिर्फ 1 मैच जीता, 7 में उसे हार का सामना करना पड़ा। 5 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का केवल 1 बल्लेबाज वनडे मैचों में आईसीसी की रैंकिंग में टॉप 10 बल्लेबाजों में, तो बेहतरीन गेंदबाजों की टॉप 10 की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के केवल 2 गेंदबाजों को जगह मिली। मुंबई में आरपीएफ ने एक आदमी को सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके पास से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस का आईडी कार्ड भी मिला है, जिसके बाद संदिग्ध को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है।